ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम दक्षिण भारत के राजवंश तक पहुंच चुके हैं। दक्षिण भारत के राजवंश में हमने पल्लव वंश के बारे में पढ़ लिया है। जिन्होंने अभी तक हमारे पल्लव वंश वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो इसी चैनल के प्लेलिस्ट एंशियंट हिस्ट्री बाय विकास सर में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चालुक्य वंश के बारे में, चालुक्य वंश यानी कि चालुक्य डायनेस्टी। दोस्तों, चालुक्य वंश की मुख्यतः तीन शाखाएं थीं। अगर हम पहली शाखा की बात करें तो वो थी बादामी या फिर वातापी के चालुक्य, इन्हें हम मूल शाखा के नाम से भी जानते हैं। दूसरी थी वेंगी के चालुक्य, जिसे पूर्वी शाखा के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी थी कल्याणी के चालुक्य, जिसे हम पश्चिमी शाखा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, हम चालुक्य के वंश में तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, बादामी के बारे में, वेंगी के बारे में और कल्याणी के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो प्योरली डेडिकेटेड होगा बादामी और वातापी के चालुक्य के बारे में, जबकि वेंगी और कल्याणी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बादामी या फिर वातापी के चालुक्य। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 543 से लेकर 757 AD तक चला और इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की। और दोस्तों, चालुक्यों की जो मूल शाखा है उसका उदय वातापी या फिर बादामी में हुआ। ये कहाँ पे है? कर्नाटक के बीजापुर में है। चालुक्य वंश के उत्तर में हर्षवर्धन तथा दक्षिण में पल्लव वंश का राज था। तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जिस राजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके आस पड़ोस में कौन से राजाओं का राज है। तो जो चालुक्य वंश है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके उत्तर में, ठीक है, उत्तर में हर्षवर्धन और दक्षिण में पल्लव वंश का राज था। पल्लव वंश भी हमने लास्ट में पढ़ा ही, वही वाले पल्लव वंश, और हर्षवर्धन के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो हर्षवर्धन उत्तर में थे और दक्षिण में थे पल्लव वंश। दोनों ही राज्य से चालुक्य वंश के शासकों ने लोहा लिया। तो दोस्तों, इनिशियल डेज में चालुक्य वंश वालों ने क्या किया, दोनों ही राज्यों से लड़ गए और उनकी जो सीमा क्षेत्र थी उसको जीत लिया और इसी तरीके से उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। ठीक है दोस्तों, तो जो चालुक्य वंश वाले थे इन्होंने हर्षवर्धन से भी और पल्लव वंश से भी दोनों से लोहा लिया और अपनी सत्ता स्थापित की। अब हम देखते हैं बादामी या वातापी के चालुक्य वंश के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने देखा कि पुलकेशिन प्रथम इस वंश के संस्थापक थे और इन्होंने 543 से लेकर 566 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद में जब पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु हो गई तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने राज को संभाला। कीर्तिवर्मन प्रथम की भी अर्ली एज में डेथ हो जाती है और उस समय जो इनके बेटे होते हैं, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड और इनके जो दूसरे बेटे होते हैं वो उस समय वयस्क नहीं होते हैं, उस समय वो 18 साल से कम रहते हैं। इसलिए कीर्तिवर्मन प्रथम के छोटे भाई मंगलेश वो राजा बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो राजा थे वो थे पुलकेशिन प्रथम, उसके बाद बने कीर्तिवर्मन प्रथम, उसके बाद में वयस्क नहीं थे इनके जो बच्चे, इसी कारण मंगलेश बने। मंगलेश के बाद वापस पुलकेशिन द्वितीय बने राजा। पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य फर्स्ट, उसके बाद विनयादित्य, फिर विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य और लास्ट जो इनके रूलर थे वो थे कीर्तिवर्मन सेकेंड। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पुलकेशिन प्रथम के बारे में, जो कि 543 से लेकर 566 ईस्वी तक इनका राज रहा है। पुलकेशिन प्रथम बादामी या वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, दोनों एक ही है, बादामी भी कह सकते हैं, वातापी भी कह सकते हैं। तो इस वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ या वाजपेय यज्ञ करवाए। इन्होंने दो यज्ञ करवाए, पहला तो अश्वमेध और दूसरा वाजपेय यज्ञ। और इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की? इन्होंने उपाधि धारण की स्थायश्रय, रणविक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ। ये तीन उपाधियां पुलकेशिन प्रथम ने धारण की। ठीक है दोस्तों, 566 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई।
अब इसके बाद क्या हुआ, 566 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से सबसे अच्छा काम इन्होंने कर दिया पुलकेशिन प्रथम ने, कि जो इनका चालुक्य वंश था उसकी नींव डाल के चले गए। अब आगे आने वाले शासक लोग तो राज्य का विस्तार कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये इनके संस्थापक थे। अब हम देखते हैं इनके पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में, जिनका शासनकाल 566 से लेकर 597 ईस्वी तक चला। अपने पिता पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के बाद कीर्तिवर्मन प्रथम 566 ईस्वी में बादामी की राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने उपाधि धारण की, उसका नाम था पुरुरण पराक्रम, और दूसरी उपाधि थी सत्याश्रय। ये दो उपाधियां कीर्तिवर्मन प्रथम ने धारण की। दोस्तों, शासन हाथ में आते ही इन्होंने अपने आसपास के राज्यों को जीतकर अपनी अधीनता स्वीकार कराना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जैसे ही कीर्तिवर्मन प्रथम के हाथ में सत्ता आई, इन्होंने क्या किया, आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे उसको जीतना शुरू कर दिया और उनको अपना एक तरीके से गुलाम बना लिया, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करा ली। लेकिन इनकी क्या आदत थी कि ये अधीनता तो स्वीकार करा लेते थे लेकिन उनके राज्य को कभी अपने राज्य में नहीं मिलाते थे। ये कीर्तिवर्मन प्रथम का कैरेक्टर था। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, महाकूट स्तंभ लेख में इनके द्वारा किए गए अग्निष्टोम यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इन्होंने अग्निष्टोम यज्ञ का उल्लेख मिलता है महाकूट स्तंभ लेख में, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कीर्तिवर्मन प्रथम ने अग्निष्टोम यज्ञ कराया। दोस्तों, ये जो यज्ञ हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, इस तरह से जितने भी यज्ञ होते हैं, मैं एक दिन आपको इसके सेपरेट लेक्चर ला के दूंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें ये यज्ञ जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। तो चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने बादामी में गुहा मंदिरों का निर्माण शुरू कराया। तो दोस्तों, इन्होंने ही गुहा मंदिर के निर्माण सबसे पहले किया, ठीक है। बादामी के जो चालुक्य वंशों ने गुहा मंदिरों का निर्माण किया, उसमें से कीर्तिवर्मन प्रथम ने ही ये काम शुरू कर दिया था। 597 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनके तीनों पुत्र अवयस्क होने के कारण अगला शासक इनके भाई मंगलेश बने। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब 597 ईस्वी में कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु हो गई, उसके बाद में इनके जो पुत्र थे वो राजा नहीं बन पाए क्योंकि वो अभी अवयस्क थे, छोटे थे, ठीक है। इसलिए इसका जो राज का जो भी भार था, ठीक है, उसको संभाला कीर्तिवर्मन प्रथम के भाई मंगलेश ने। तो चलिए मंगलेश के बारे में देखते हैं। अपने भाई कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद 597 ईस्वी में मंगलेश राजगद्दी पर बैठे। मंगलेश के बड़े भाई कीर्तिवर्मन प्रथम जब अपने राज्य के आसपास के क्षेत्रों को जीतते थे तो उसको अपने राज्य में नहीं मिलाते थे बल्कि उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करके छोड़ देते थे। इसके बारे में तो मैंने बताया ही है। जबकि मंगलेश अपने बड़े भाई की नीति से विपरीत युद्ध में जीते हुए क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लेते थे। मंगलेश क्या करते थे कि जो भी युद्ध में क्षेत्र जीतते थे उसको अपने राज्य में मिला लेते थे, जबकि इनके जो बड़े भाई थे कीर्तिवर्मन प्रथम, वो जब राज्य को जीतते थे तो उसकी केवल अधीनता स्वीकार करवा लेते थे कि भैया तुम हमारे गुलाम बन के रहो, जो हम बोलेंगे वो तुम्हें करना रहेगा, तुम राजा हो, राजा बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मंगलेश थे, इन्होंने कहा ऐसा है, तुम निकलो और अपने राज्य को भी हमें दे दो, ठीक है। उनके राज्य को छीन लेते थे, ऐसा होता था इनके साथ। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने मंगलेश ने कलचुरी शासक बुद्धराज एवं कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। इसके साथ ही कदंबों का पूर्णतया उन्मूलन करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मंगलेश हैं ये राज्य विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। राज्य विस्तार करके राजाओं को, छोटे छोटे आसपास के जो राजा थे उनको हरा देते थे और उनको, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। मंगलेश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये भगवान विष्णु के धर्म को मानते थे। इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि धारण की, ठीक है। दोस्तों, अपने भाई द्वारा शुरू किए गए बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा कराया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कीर्तिवर्मन प्रथम ने सबसे पहले बादामी में गुहा मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था और 597 में कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में 597 में ही मंगलेश, जो कि उनके भाई थे, वो राजा बने। तो जब वो राजा बने तो उन्होंने गुहा मंदिरों का जो अधूरा काम था वो पूरा करवाना शुरू कर दिया। अब आते हैं पुलकेशिन द्वितीय, इनकी एंट्री होती है पूरे के पूरे
साम्राज्य में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस साम्राज्य में पुलकेशिन द्वितीय सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हैं, सबसे ज़्यादा महान हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने 610 से लेकर 642 ईस्वी तक शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके चालुक्य वंश का अगला शासक बना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलकेशिन प्रथम जो कि संस्थापक थे उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद में कीर्तिवर्मन प्रथम आए, राजा बने। कीर्तिवर्मन प्रथम की जब डेथ हुई तो उसके बाद में असली में देखा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय या फिर इनके तीनों भाइयों में से किसी को बनना चाहिए था, लेकिन ये सब निकले अवयस्क। इस कारण जो इनके चाचा थे पुलकेशिन द्वितीय के या फिर कीर्तिवर्मन प्रथम के भाई मंगलेश, वो राजा बन गए। उन्होंने कहा कि अभी तो तुम्हारे बेटे, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि अभी तो पुलकेशिन द्वितीय और उनके जितने भी भाई हैं वो तो छोटे हैं, वो क्या राजा बनेंगे, अभी तक राजगद्दी संभालने के योग्य नहीं हुए हैं, इसलिए मैं राजा बन जाता हूँ। मंगलेश खुद राजा बन गए। इसके बाद जब ये पुलकेशिन द्वितीय बड़े हुए 18 साल से ऊपर, तो इन्होंने कहा ऐसा है चाचा जी, अब अपना शासन छोड़ दो और ये राजा हमें बनाओ, क्योंकि हमारे पिताजी यहाँ पर राजा थे तो उस हिसाब से मैं ही राजा हुआ। तो मंगलेश कहते हैं ऐसे कैसे, वो तो पास्ट था, पास्ट तो बीत गया, अब तो जो है मैं ही हूँ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ। तो पुलकेशिन द्वितीय को हो लग जाती है गुस्सा, उन्होंने कहा तुम मुझे सत्ता नहीं दे रहे हो। उन्होंने उनको हत्या कर दी, उनको मार डाला पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश को, और इस तरीके से चालुक्य वंश का अगला शासक बने पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की? पहली उपाधि थी इनकी सत्यश्रेय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज, पहली उपाधि इनकी या थी। दूसरी थी दक्षिणा पथेश्वर, जब ये दक्षिण की तरफ युद्ध वगैरह करने के लिए गए और वहाँ जीत भी गए तो इनको दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि मिली। और तीसरी उपाधि इनको मिली परम भट्टारक, और चौथी उपाधि इनको मिली महाराजा धीराज। ये चार उपाधियाँ पुलकेशिन द्वितीय को मिली हुई हैं। इनकी राजकवि जिनका नाम था रवि कीर्ति, इन्होंने एहोल शिलालेख की रचना की है, ठीक है। इसमें हमें पुलकेशिन द्वितीय और जो ये पूरा वंश था, ठीक है, चालुक्य वंश, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो दोस्तों ये आपको ज़रूर याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल शिलालेख में इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। एहोल शिलालेख की रचना किसने की? रवि कीर्ति ने की। और रवि कीर्ति कौन थे? राजकवि थे पुलकेशिन द्वितीय के। जिस समय पुलकेशिन द्वितीय शासक बने उस समय विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का विशाल राज्य स्थापित हो चुका था। पुलकेशिन द्वितीय चौथे नंबर के राजा हैं ना, तो इनके समय में जब ये शासक बने उस समय विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंशों का बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। अतः शासन की सुविधा के लिए, शासन की सुगमता के लिए इन्होंने अपने राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब शासन बड़ा हो जाता है उस समय उस पर राज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत सारे बड़े से लैंड पर मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है, जो विद्रोह हो रहे होते हैं उनमें आपको विद्रोह को दबाना होता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं कि इनका राज्य बहुत ही बड़ा हो गया था, ठीक है, तो इन्होंने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग पर स्वयं राज किया और जिसकी राजधानी वातापी थी, और दूसरे भाग पर अपने भाई जिसका नाम था विष्णुवर्धन उसको दे दिया और उसकी राजधानी वेंगी थी, ठीक है। दोस्तों तो मैं शुरू से बता दूं आपको क्या हुआ कि जब पुलकेशिन द्वितीय राजा बने उस समय विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया था। इसीलिए शासन की सुगमता के लिए, ताकि शासन सुचारू रूप से आसानी से चल सके, इन्होंने अपने राज्य को दो भाग में विभाजित कर दिया। पहले भाग को अपने भाई को दे दिया जिसका नाम था विष्णुवर्धन, ठीक है, और विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी वेंगी को बनाई और एक उसमें से पोर्शन खुद रख लिया जिसकी राजधानी वातापी थी। तो ये चीज हो गया। एक नए राज्य जिसकी राजधानी वेंगी थी वो पूर्वी चालुक्य या फिर वेंगी के चालुक्य के नाम से जाने जाने लगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो उनके भाई थे विष्णुवर्धन वो बन गए वेंगी के चालुक्य,
ठीक है, उनका जो साम्राज्य हुआ वो भी चालुक्य वंश से ही तो निकले हैं, लेकिन इनको बोला गया वेंगी के चालुक्य। क्यों बोला गया? क्योंकि उन्होंने वेंगी को अपनी राजधानी बनाई। और दोस्तों, चालुक्य वंश की अगर हम बात करें, वेंगी वाले चालुक्य वंश की, तो ये पूर्व में है, पूर्व में, तो इसीलिए इसको पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जाना गया। ठीक है, अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसको क्या बोला गया है? मूल। ठीक है, अभी क्या बोला जाता है उसको? मूल शाखा। जबकि वेंगी वाले को हम क्या बोलते हैं? पूर्वी चालुक्य या फिर पूर्वी शाखा। अभी हम एक और देखेंगे, वो है कल्याणी के चालुक्य, जो कि है पश्चिमी शाखा। तो ये हम देखते हैं, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था, इस बात का उल्लेख ऐहोल अभिलेख से मिलता है। तो दोस्तों, जब मैंने हर्षवर्धन वाली वीडियो आपको पढ़ाई थी, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराया था। हर्षवर्धन भी किसी से नहीं हारे थे, बहुत ही प्रतापी शासक थे। हर्षवर्धन को बहुत ही इनका जो जीवन है वो बहुत ही दुखद बीता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी हर्षवर्धन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा दिया, और इस बात का जो उल्लेख है वो ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। इसी के काल में चालुक्यों तथा पल्लव वंश के बीच में भी संघर्ष शुरू हो गया। दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जब पुलकेशिन प्रथम आए थे, जो कि संस्थापक थे, जब इन्होंने राज्य की स्थापना की, तो उत्तर में हर्षवर्धन का समय चल रहा था, और जो दक्षिण है उधर साइड में पल्लवों का समय चल रहा था। ठीक है, पल्लव लोग वहाँ पे शासन कर रहे थे। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इन्होंने हर्षवर्धन वाले को तो हरा दिया। ठीक है, हर्षवर्धन की तरफ ये बढ़े और उनको हर्षवर्धन को हरा दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये पल्लव की तरफ भी बढ़े और पल्लवों को भी हरा दिया इन्होंने। ठीक है, इसी के काल में चालुक्यों तथा पल्लव वंश के बीच में संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। इन्होंने पल्लव वंश की राजधानी कांची पर आक्रमण कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण कर दिया, जो कि पल्लवों की राजधानी थी, और पल्लव शासक जिसका नाम था महेंद्र वर्मन, उसको हराकर उसके उत्तरी भाग पर अपना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो, पल्लव वंश, अभी लास्ट वीडियो हमारा पल्लव वंश का ही था, ठीक है, प्राचीन भारत में, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो महेंद्र वर्मन थे वो बहुत ही बड़े शासक में इनकी गिनती होती थी, लेकिन फिर भी पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हरा दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण कर दिया, जो कि पल्लव वंश की राजधानी थी, और जब महेंद्र वर्मन वहाँ के शासक थे, तो महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय में एक घमासान युद्ध हुआ, लेकिन महेंद्र वर्मन हार गए, पुलकेशिन द्वितीय जीत गए। लेकिन जीतने के बाद भी वो कांची पर अधिकार नहीं कर पाए। उन्होंने उनके उत्तरी भाग पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन कांची पर अधिकार नहीं कर पाए। पल्लव शासक किसी तरीके से अपनी राजधानी कांची को बचाने में सफल हो गए। कुछ वर्ष के बाद अब आते हैं जो हमने पढ़ा था, ठीक है, किसके बारे में हमने पढ़ा था अभी? महेंद्र वर्मन, इनके सुपुत्र, ठीक है, जिसका नाम था नरसिंह वर्मन। कुछ वर्ष के बाद में पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण कर दिया। इस समय पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया और अपने पिता की पराजय का बदला लिया। तो दोस्तों, यहाँ क्या देख रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने अभी पहले महेंद्र वर्मन को हराया था, लेकिन अब महेंद्र वर्मन जब हार गए, उसके बाद नरसिंह वर्मन, जो कि उनके पुत्र थे, वो राजा बने। पुलकेशिन द्वितीय ने फिर से आक्रमण कर दिया। आप सोचा कि जैसे पहले हरा दिया था, इस बार फिर हरा देंगे, लेकिन नरसिंह वर्मन बहुत ही प्रतापी शासक थे। पूरे वंश के सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन ही थे, और इन्होंने एक बहुत बड़े योद्धा को हरा दिया, बहुत बड़े राजा को हरा दिया, जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय वहाँ पर बहुत बुरी तरह हारे, और इस तरीके से नरसिंह वर्मन ने अपने पिता महेंद्र वर्मन की बेइज्जती का, उनकी पराजय का बदला ले लिया। नोट, इस युद्ध में जो नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ, उस युद्ध में श्रीलंका के राजा ने भी नरसिंह वर्मन की मदद की थी। और दोस्तों, ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। तो दोस्तों, ह्वेनसांग हम देख रहे हैं कि इसी बीच में पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे। ये क्या करने आए थे? नालंदा में पढ़ने आए थे। नालंदा में इन्होंने एक वर्ष तक बौद्ध भगवान की महायान शाखा के बारे में स्टडी की। इसके बाद ये बहुत से राजाओं के पास गए, ठीक है, जिनमें से प्रमुख हैं हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्मन।
अब हम देखते हैं 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है 642 ईस्वी में। अन्य शासक, तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय जो कि मैंने आपको बताया सबसे महत्वपूर्ण शासक थे इस पूरे वंश के, सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे प्रतापी शासक कोई था तो पुलकेशिन द्वितीय ही थे। पुलकेशिन द्वितीय की जब मृत्यु हो गई 642 ईस्वी में, इसके बाद में विक्रमादित्य प्रथम, उसके बाद विनयादित्य प्रथम, फिर विजयादित्य प्रथम, फिर विक्रमादित्य सेकंड और सबसे लास्ट चालुक्य शासक बने कीर्तिवर्मन सेकंड। तो ये सारे लोग क्रमशः लाइन से वातापी चालुक्य वंश के शासक बने। तो दोस्तों ये बाद के जो भी शासक हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जो आपको इस पूरे वंश का सबसे महत्वपूर्ण था पुलकेशिन द्वितीय और इनके पहले के शासक, वो मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट रूलर जिनका नाम है कीर्तिवर्मन सेकंड। दोस्तों कीर्तिवर्मन सेकंड 746 से लेकर 757 ईस्वी तक इनका शासन चला। 746 ईस्वी में विशाल चालुक्य वंश का शासक बने, ठीक है, कीर्तिवर्मन 746 ईस्वी में राजा बने। वह एक अयोग्य शासक थे, कीर्तिवर्मन सेकंड क्या थे, बहुत ही ज़्यादा अयोग्य थे। दंतिदुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट नेता ने उसे परास्त करके एक नए राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। तो दोस्तों एक थे जिनका नाम था दंतिदुर्ग, ये एक राष्ट्रकूट नेता थे। राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हम वंश पढ़ेंगे उसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के एक नेता थे जिनका नाम था दंतिदुर्ग, उन्होंने कीर्तिवर्मन सेकंड को हरा कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। तो इसी के साथ ही हमारा वातापी या फिर वादामी के चालुक्य का वंश यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगला वीडियो होगा राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो चलिए दोस्तों तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।